चलिए जानते हैं कि अपस्टॉक्स में जब आप अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपको अकाउंट ओपनिंग से शुरू होकर अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन होने के बाद जब आप सारे ट्रेड्स प्लेस करते हो तो आपको इसमें कौन से चार्जेस लगते हैं इन शॉर्ट हम जानेंगे अपस्टॉक्स में लगने वाले सारे चार्जेस को जो एज अ क्लाइंट आपको अफेक्ट करते हैं अपस्टॉक्स का कहना है कि इनके यहाँ है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग एंड देर आर नो हिडन ब्रोकरेज चार्जेस लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू मे बी एवरी थिंग यू ये सारी चीजें ये यहाँ पे इसी पेज पे इन्होंने दे दी है फर्स्ट थिंग इज कि आपको है जीरो ब्रोकरेज ऑन म्यूचुअल फंड्स एंड ठीक है देन पी इज के रूपीज ट्वेंटी इन एफ एन ओ करेंसी एंड कॉवर सारी जगह पे इस प्रकार है एंड इट इज और जीरो पॉइंट फाइव परसेंट विच एवर इज लोअर पर ऑर्डर ऑन स्टॉक्स ओके एंड रूपीज ट्वेंटी इज फॉर इक्विटी डिलीवरी ऑफ तो आप स्टॉक्स आपसे इक्विटी डिलीवरी का रुपीज ट्वेंटी लोअर पर ऑर्डर ऑन स्टॉक्स चार्ज करता है नीचे चलते हैं एंड वेन यू प्लेस एन ऑर्डर ऑन ऑफ स्टॉक्स कुछ इस प्रकार से आपको चार्जेस लगेंगे जिसे अब हम समझते हैं इक्विटी की बात करें तो इक्विटी डिलीवरी में जैसे इन्होंने ऊपर भी मेंशन करा है वो ये ट्वेंटी रुपीज और टू पॉइंट फाइव परसेंट विच एवरेज लोअर इक्विटी डिलीवरी आपसे चार्ज करा जाएगा इक्विटी इंट्राडे में आपसे रुपीज ट्वेंटी पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर जीरो पॉइंट जीरो विच इज लोअर ये चार्ज करा जाएगा इक्विटी फ्यूचर्स में ट्वेंटी रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर और जीरो पॉइंट जीरो रुपीज ट्वेंटी पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर स्टेचरी चार्जेस की बात करें तो इक्विटी डिलीवरी में एस टी टी सी टी टी 1 ट्वेंटी थ्री इस प्रकार है इक्विटी इंट्रा डे यहाँ पे बताया है देन इक्विटी फ्यूचर्स इस प्रकार है एंड इक्विटी ऑप्शन पे इस प्रकार है जीएसटी परसेंट ऑन ब्रोकरेज प्लस ट्रांजेक्शन प्लस डी चार्जेस सो so, एस का जो चार्ज है ये तो गवर्नमेंट की तरफ से है तो ये आपको सारे ही ब्रोकर्स में सेम देखने मिलने वाला है ठीक है दोस्तों स्टैंड ड्यूटी तो ये इस प्रकार यहाँ पे मैं एक्सचेंज फीस सो ये जो फीस है ये चार्ज करते हैं मतलब ये आपको चार्ज की जाती है बाय एन या बी एस सी एंड देन यहाँ पे ट्रांजेक्शन चार्जेस फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 2023 इस प्रकार हम लग रहे है बात करते हैं डी मैट ट्रांजेक्शन चार्जेस की तो ये जो चार्ज है ये सी डी एस एल की तरफ से चार्ज करे जाते हैं एंड अब स्टॉक्स के तरफ से भी नाउ डीपी चार्जेस यहाँ पे इक्विटी डिलीवरी के ये एटीन रुपीज पर स्क्रिप्ट पर डे ओनली ऑन सेल ठीक है डीपी चार्जेस आपको बाय पे नहीं लगते ये सिर्फ सेल पे लगते हैं इक्विटी इंट्राडे है। इसमें नो चार्जेस या इसमें नो चार्जेस इसमें नो चार्जेस इस क्योंकि इसको डीपी चार्जेस होते ही नहीं है ना डीपी का यूज यहाँ पे आ रहा है दैट्स दट ये चार्ज लगता है Now, SEBI के जो चार्जेस हैं वो है इस प्रकार ओके एंड दिसोरिटी ऐसे है अब चलते हैं ऊपर एंड अब सेक्शन को चेंज करते हैं नेक्स्ट इज कर आपसे जो चार्जेस है ये अब स्टॉक्स के द्वारा जो चार्ज करे जा रहे हैं ये है इस प्रकार की ट्वेंटी रुपीज पर एक्सिक्यूटिवर और जीरो पॉइंट जीरो

तो इनके जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, ये इस प्रकार है एनएससी एंड बीएससी के करेंसी फ्यूचर्स में ओके एंड अगर करेंसी ऑप्शन की बात करें तो ये है इस प्रकार सेबी की तरफ से लगने वाले चार्जेस इस प्रकार है फॉर करेंसी फ्यूचर्स एंड करेंसी ऑप्शन नेक्स्ट सेगमेंट है कॉमोरिडी तो इस पे अगर हम देखेंगे तो जो अपस्टॉक्स फीस चार्ज कर रहा है वो क्या है तो यहाँ पे आपको लगती है पहले तो ब्रोकरेज विच इज ट्वेंटी रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट विच लोअर एंड कॉमोर्डी ऑप्शन में

इसका है, इस है है, है ना? तो ये ये अगेन पे क्लियरली क्लियरली मेंशन आई रियली लाइक ने काफी अच्छा काम किया है कि इन्होंने सारी चीजें समझाई सेबी के चार्जेस इस प्रकार लग रहे हैं वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर करें मुझे नीचे कमेंट्स में थैंक्स भी जरूर लिखे इससे मुझे मिलती है आपके लिए बिल्कुल फ्री है